आज हम बनाएंगे कैबेज पकोड़ा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा कटोरी कैबेज ले लिया है, जिसे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, और एक प्याज, इसे भी मैंने लंबा कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ले लिया, इसे बारीक कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून नमक ले रही हूँ, और इसमें हम 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब मैंने यहाँ पे तड़का पैन पे 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, इसमें हम 1/2 टेबल स्पून सरसों डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने 2 डाली करी लीव्स ले लिए हैं, हम इसे इसमें तड़का लगाएंगे, और इस तड़के को हम अपने कैबेज में डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन ले लिया है, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन जो अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पानी जो है हम ऐसे स्प्रिंकल करते हुए इसमें डालेंगे। हम इसमें पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे हमारा बैटर जो है गीला हो सकता है। तो हम इस तरीके से बैटर को तैयार कर लेंगे, और अब हम इस तरीके से इसे पकौड़े का शेप देंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये बैटर ले लिया है, और इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसे पकौड़े का शेप देंगे, और अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, और हम इस तरीके से पकोड़े को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी गैस का फ्लेम मीडियम रखा हुआ है, पहले हम इसे एक साइड से फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम इसे पलट लेंगे, और इसे दूसरे साइड से भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब ये दूसरे साइड से भी फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं, और अब हम इसे निकाल लेंगे, और हम इसी तरीके से बाकी बचे हुए पकोड़े को भी तैयार कर लेंगे। और अब हमारा कैबेज पकोड़ा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें।